गाइस कैसे हो सारे, आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जा रही हूँ घर, आ गया थर्सडे और संडे की है दिवाली, तो मैं छुट्टियाँ लेके चल पड़ी हूँ घर। ब्ला ब्ला कैब आने वाली है, ये मैं अपनी कैब में बैठ गई हूँ। कैब में सफोकेशन हो रही थी क्योंकि इन्होंने खिड़की यानी कि शीशा बंद कर रखा था, बट क्या बोल सकते हैं किसी और की गाड़ी है। तो अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे थे और मुझे एक्साइटमेंट थी कब मैं घर पे पहुंचूं। और ये हम नंगल वाली साइड पहुंच गए थे, मेरी मम्मी की बार बार कॉल आ रही थी कब आ रही है कब आ रही है, और थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। जैसे घर पहुंचते पहुंचते हो गया था अंधेरा। ये हमारे घर का पेड़ है और ये मेरा घर। अभी अंधेरा है तो कुछ दिखेगा नहीं, मॉर्निंग में दिखाऊंगी मैं आपको। तो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग हो चुकी है हिमाचल में और देखो वेदर कैसा है, हवा चल रही है ठंडी और ऊपर से बादल। मैंने सोचा आज धूप निकलेगी और मैं गलगल खाऊंगी। ये मेरे हाथों का गुलाब लगाया हुआ था मैंने, गुलाबड़ी, छोटी छोटी गुलाबड़ी लगती है। और ये जो लगे हैं गोल गोल, और ये मेरी मम्मी ने आदरा डाला है यानी कि लगाया है, सॉरी। तो थोड़ी सी बारिश हुई, बारिश के बाद फिर चल पड़ी मैं इसका व्यू देखने, और मेरी जो नज़र थी वो ये थी इनके ऊपर कि कब धूप निकले और कब बनाओ, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया कि बारिश हो रही है तब नहीं बनानी क्योंकि ठंडी होती है बीमार पड़ जाएगी। और ये हमारे घर का व्यू, हमारे घर के पास का व्यू है। ये लहसुन लगा रखा है मेरी मम्मी ने और वो सामने दिख रहा है, ये साग है। मैं व्यू कर जूम करके दिखाती हूँ, साग है और इसके साथ की जो बेल है वो कद्दू की बेल है। अभी मेरा खाना खाने का टाइम हो चुका है, मम्मी ने खाना बना के रख दिया था, मुझे गर्म करना है, पर मेरा इतना स्ट्रगल हुआ चूल्हे में आग जलाने का, जल ही नहीं रही आग, इतना ज़्यादा देर लगी आग जलाने के लिए। कागज़ पे डाले सारा कुछ, फूक मार मार के मेरी सांस फूटी। बहुत स्ट्रगल के बाद फिर आग जली है, अभी आग जलाई मैंने। अभी मैं करूँगी रोटी को गर्म, आपको पहले आगे खींच लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटी, मक्के की रोटी मैंने कर ली है गर्म, दोनों साइड में डाल दूँगी जल्दी हो जाए ताकि गर्म ये रोटी। दो रोटियाँ सेकनी थी, मम्मी ने हल्की हल्की सी बनाई हुई थी, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ कम ही खाती हूँ, पर रोटी छोटी थी तो इसको उल्टा सीधा सेक लेंगे हम। और ऊपर गर्म पानी भी रखा है मम्मी ने नहाने के लिए, चूल्हे पे ही पानी गर्म करते हैं क्योंकि अभी गीज़र नहीं लगाया हमने क्योंकि वॉशरूम में अभी हमारा काम पेंडिंग पड़ा है। आग नहीं जल रही थी इसलिए मुझे बहुत टाइम लग रहा था रोटी गर्म करने में। गैस पे या पर रोटी में, आग में जो चूल्हे में जो रोटी बनाई जाती है ना और गर्म की जाती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। मैंने दूसरी तरफ भी डाल दी है हाफ बार रोटी, जल्दी गर्म हो जाए। बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेज, लाइट भी नहीं थी, तो फाइनली रोटी गर्म हो गई। अभी मैंने साग को गर्म करके रखा है, तब तक लाइट भी आ गई थी, साग गर्म हो गया है और ये मैं प्लेट में डालूंगी, साग और घी और हरी मिर्ची, मज़ा आ गया था। और अभी दिखाती हूँ बाहर का भी, बाहर लगती हुई है बारिश बहुत तेज, बारिश लगती हुई बहुत तेज थी और ठंडी हो जाना था। मैंने बढ़ते किए बंद और थोड़ी देर से, और जैसे ही बारिश रुकी हल्की से मैं बाहर गई क्योंकि मम्मी गायब थी। ये था मेरे घर।